हे गाइस, स्वागत है सबको और एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मेरे पास Realme XT डिवाइस है और मेरे इस Realme XT डिवाइस में C.13 मई मंथ का अपडेट मुझे रिसीव हो गया है और मैंने इसका फुल नाइट यूज़ किया, फिर जाके इस वीडियो में आपको इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपके पास Realme XT डिवाइस है और अभी तक आपको अपडेट रिसीव नहीं हुआ मई मंथ का, तो आप वेट कीजिए, विद इन 2 वीक के अंदर डेफिनेटली आपका डिवाइस में OTP के थ्रू अपडेट रिसीव हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए, बहुत सारे यूजर को अपडेट भी रिसीव हो गया है, आप Realme कम्युनिटी पेज में जाके देख सकते हो। तो गाइस देखिए, Realme XT डिवाइस में C.13 अपडेट के बाद आपको बहुत सारे न्यू फंक्शन तो देखने को नहीं मिलता है, बट कुछ कुछ न्यू फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके पास Realme XT डिवाइस है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल ही मत करना। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपको फ्यूचर में Realme के XT के रिगार्डिंग बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसका बैटरी बैकअप टेस्ट, कैमरा रिव्यू, चार्जिंग टाइम कैलकुलेशन, गेमिंग टेस्ट, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अब जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करता हूं। दोस्तों जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हो, ये मेरा ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पे देखिए, कल शाम में मुझे अपडेट रिसीव हो गया था और इसका रिगार्डिंग मैंने पोस्ट भी किया था टेलीग्राम चैनल में, आप टाइम भी देख लीजिए यहाँ पे 8:42 मिनट में मुझे अपडेट रिसीव हो गया था और इसका रिगार्डिंग मैंने पोस्ट भी किया था जो कल सुबह वीडियो आएगा फुल रिव्यू का, और वीडियो आ रहा है। तो गाइज आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पे जब भी कोई अपडेट आता है मैं सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्म करता हूँ, लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बहन देखिए, मेरे पास Realme XT डिवाइस है और फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कौन सा डिवाइस है, कौन सा वर्जन है। तो चलते हैं यहाँ पे सेटिंग पे, फिर यहाँ पे चलते हैं अबाउट फोन में। तो कहाँ गया, तो दोस्तों देखिए अबाउट फोन में जाने के बाद आप फिलहाल यहाँ पे देखिए डिवाइस नेम Realme XT, Realme UI वर्जन भी देख लीजिए V1.0, आप एंड्रॉइड वर्जन देखिए एंड्रॉइड 10 है, आप RMX नंबर भी देख लीजिए RMX 1921, ये Realme XT का RMX नंबर है और मेरे पास 4GB 64GB वेरियंट है। तो दोस्तों फिर चलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में और देख लेते हैं मेरे पास कौन सा वर्सन है फिलहाल। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में और मेरा जो डाटा कनेक्शन है उसको फिलहाल यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस सॉफ्टवेयर अपडेट में, तो गाइस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रही है। दोस्तों देखिए वर्सन अप टू डेट एंड्रॉइड 10 रियलमी UI, आप RMX नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए RMX 1921, ये Realme XT का RMX नंबर है और वर्सन देखिए 11.C.30 जो लेटेस्ट वर्सन है अभी अभी रोल आउट किया गया है और मेरा डिवाइस में आ चुका है, मैंने सक्सेसफुली अपडेट भी कर लिया हूँ। तो दोस्तों फिर चलते हैं फीचर्स की तरफ और देख लेते हैं अपडेट के बाद आपको कौन सा न्यू फंक्शन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों फिलहाल चलते हैं फीचर्स की तरफ। ऐसे यहाँ पे देखिए अपडेट लॉक में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अप्रैल-मई 2021, इसका मतलब आपको लेटेस्ट मई मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों देखिए उसके साथ सेटिंग में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, स्विच सिम कार्ड करने में यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, उसको भी यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में देखिए दोस्तों, ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी जो हर एक अपडेट के साथ दिया जाता है। तो बस इतना ही है, एक बेसिक का अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, सिक्योरिटी पैच वाला ही अपडेट है, जस्ट यहाँ पे 2 बग फिक्स किया गया है। तो फिर देखिए बहुत ही जल्द Realme XT डिवाइस में Realme UI 2.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 का ट्रायल फ्रॉम आ जाएगा, फर्स्ट बैच ऑफ अर्ली एक्सेस। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, जब फर्स्ट बैच ऑफ अर्ली एक्सेस आएगा मैं तुरंत आप सभी के लिए वीडियो लेके आऊंगा और आप जाके इसका अपडेट भी कर सकते हो। तो जाओ आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। गाइस Realme XT डिवाइस में C.13 मई मंथ का अपडेट के बाद यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप फिलहाल यहाँ पे देखिए मेरा डिवाइस में 96% चार्ज है और यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 day 30 23 hours अभी भी दिखा रही है। तो गाइस अगर आप Realme XT डिवाइस में C.13 अपडेट के बाद इसका फुल बैटरी बैकअप टेस्ट, फुल चार्जिंग टाइम कैलकुलेशन चाहते हो तो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर इस वीडियो में अच्छा खासा आपको रिस्पॉन्स मिल जाए तो आप सभी के लिए मैं जरूर बैटरी बैकअप टेस्ट लेके आऊंगा। तो गाइस आप जाओ चैनल को फटाफट
पर सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो फ्रेंड चलते हैं, यहाँ पे रियलमी लैब में कुछ न्यू फंक्शन ऐड हुआ है या फिर नहीं है वो भी फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे रियलमी लैब में आपको वही तीनों फंक्शन देखने को मिल जाता है, स्मूथ स्क्रोलिंग फंक्शन और यहाँ पे सुपर नाइट स्टैंड बाय फंक्शन और यहाँ पे डीसी ट्रेनिंग फंक्शन। जो तीनों फंक्शन है वही आपको तीनों फंक्शन देखने को मिल जाएगा C.13 अपडेट के बाद रियलमी XT डिवाइस में। दोस्तों रियलमी XT डिवाइस में C.13 मई मंथ का अपडेट के बाद इसका फोन मैनेजर का जो फंक्शन वो भी फिलहाल यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं ऐप इन्फो में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, फोन मैनेजर का जो फंक्शन वही पुराना फंक्शन है 7.6.6, ये पुराना फंक्शन है, फोन मैनेजर पर यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, वही आपको पुराना फंक्शन देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो गेम स्पेस है उसका भी फंक्शन यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं एज ए डिफॉल्ट। तो फ्रेंड देखिए, आपको फंक्शन वही पुराना फंक्शन ही देखने को मिल जाता है। गेम स्पेस में फंक्शन देखिए दोस्तों 2.0.6.67 वही पुराना फंक्शन है, आपको यहाँ पे भी अपडेट देखने को नहीं मिलता है गेम स्पेस में। गाइस रियलमी XT डिवाइस में C.11 अपडेट के बाद मुझे म्यूजिक प्लेयर में कुछ बग देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों C.13 अपडेट के बाद म्यूजिक प्लेयर में आपको जो बग देखने को मिल जाता है सर्चिंग के रिगार्डिंग, वो प्रॉब्लम यहाँ पे पूरी तरीके फिक्स हो चुका है। तो फ्रेंड देखिए, बेसिकली कुछ कुछ सॉन्ग आ रहा था और कुछ कुछ सॉन्ग नहीं आ रहा था, लेकिन ये जो अपडेट आया है मई मंथ का अपडेट का, उस अपडेट के बाद ये बिल्कुल यहाँ पे फिक्स हो चुका है, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे सर्च हो रहा है, लेकिन ये पहले यहाँ पे सर्च नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सर्चिंग नहीं हो रहा था, मेरा डिवाइस में प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन इस अपडेट के बाद ये बिल्कुल यहाँ पे फिक्स हो चुका है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे सिम कार्ड में अगर स्विच करते हो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था नेक्स्ट अपडेट के साथ, लेकिन दोस्तों इस अपडेट के साथ उसको यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, सिम 1 और सिम 2 में स्विच करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए जो प्रॉब्लम वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है, आपको और कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। आप फिलहाल यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज में कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। और फिर देखिए, डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, डिस्प्ले में टच में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन इस अपडेट के बाद टच रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा हो चुका है। और फिंगरप्रिंट में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, फिंगरप्रिंट अच्छी तरह से डिटेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन दोस्तों इस अपडेट के बाद फिंगरप्रिंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुका है। अब फिलहाल और भी एक बात देख लीजिए, यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट बहुत ही अच्छा हो चुका है, बहुत ही अच्छा फास्ट हो चुका है। तो फ्रेंड देखिए, अपडेट के बाद कैमरा में कुछ आपको इसी तरह देखने को मिल जाता है, कैमरा का इंटरफेस आपको सेम टू सेम वही देखने को मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। दोस्तों अपडेट के बाद मैंने बहुत सारे सैंपल शॉट क्लिक किया है, तो मैं एक एक करके सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप एक एक करके देख लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको ये फोटो कैसा लगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपका रियलमी XT डिवाइस में C.13 मई मंथ का अपडेट आपको रिसीव हुआ अभी तक या फिर नहीं हुआ है। तो गाइस, आप अगर इसका फुल बैटरी बैकअप टेस्ट का चार्जिंग टाइम कैलकुलेशन चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।